नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। राजस्थान की 25 सीटों पर दो चरणों में मतदान, जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 5 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद की घोषणा, आज से काम पर लौटेंगे कर्मचारी। आचार संहिता लगने से पहले भजनलाल सरकार ने की 3 राजनीतिक नियुक्तियां। राजस्थान में 48 पुलिस अफसरों की ट्रांसफर, गृह विभाग के 8 एडिशनल एसपी बदले, पुलिस मुख्यालय ने 40 डीएसपी का किया तबादला। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, पूर्व विधायक सुरेश टांग, रामलाल मेघवाल, परम नवदीप, पुखराज गर्ग, सुशीला पलाड़ा और भंवर सिंह पलाड़ा सहित सैकड़ों नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल को लगा बड़ा झटका, उम्मेदाराम बेनीवाल ने आरएलपी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन, बाड़मेर लोकसभा सीट से बन सकते हैं उम्मीदवार। 2.5 दशक बाद दौसा गंगापुर के बीच चली ट्रेन, सांसद जसकौर ने दिखाई हरी झंडी, कहा मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार के 15 लाख मतदाताओं सहित राज्य में 5.32 करोड़ से अधिक मतदाता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा अलग अलग दरों की विसंगति दूर होने से सीमावर्ती जिलों को मिलेगा लाभ। राजस्थान क्रिकेट का बॉस बनने को लेकर बीजेपी में घमासान, राजेंद्र राठौड़ के बेटे का नाम लिस्ट से गायब, कांग्रेस से मिलीभगत का आरोप। चित्तौड़गढ़ में 22 साल पुराने मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, पोस्त दाना से भरे 35 बोरे चोरी के मामले में था वांछित। घूमो जयपुर अभियान के तहत महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बच्चों को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ, गीले सूखे कचरे के पृथक्करण को नीले व हरे डस्टबिन की एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को समझाया स्वच्छता का महत्व। शाहपुरा में खुदाई में मिले हैंड ग्रेनेड बम, पुलिस ने लिया कब्जे में, हल्के में है शांति। दौसा के भांडा रेंज में स्कूल बस ने बालक को कुचला, गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। राज्यपाल कलराज मिश्र से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम ने की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा प्रदेश की वर्तमान डबल इंजन सरकार में दुगनी गति से विकास हो रहा। 100 दिन के विकास कार्यों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने जारी की फिल्म। भरतपुर में रुदावल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पकड़ा, 49 कार्टून विस्फोटक सामग्री की जब्त, मौके से एक ट्रैक्टर ट्रोली जब्त कर चालक को किया गिरफ्तार। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर के हमारा ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।